जी मुल्क में आज हालात जो चल रहे हैं, परेशानियां कोरोना की गई और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और अमन चैन के लिए आप मुल्क के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्यारा भारत जो तमाम नस्ल, हर रंग, हर मज़हब के लोग, हर ज़बान बोलने वाले लोग, हर नेचर और फितरत रखने वाले लोग इस मुल्क में बसते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि अल्लाह ने इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत और प्यार रखा है। लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपने सियासी मफादात के लिए जो है वो ऐसे मामलात कर जाते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है कभी कभी जो है वो खटास पैदा हो जाती है। तो ऐसे हालात में हम अपनी कौम को ये पैगाम देंगे, तमाम हिंदुस्तान वालों को, तमाम भारतीयों को, कि अपनी आँख खोल के जिएं, अपनी आँखों से देखें, अपने कानों से सुनें और अपनी ज़बान से बोलें। किसी की आँख से न देखें, किसी के कान से न सुनें और किसी की ज़बान न बोलें। और जैसे हमारा मुल्क भारत गंगा जमुनी तहजीब में प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का बर्ताव करें और अपने हुकूक जिस तरीके से आदमी मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए आदमी जितना हसास होता है और जितना ज़्यादा जब वो उसके लिए कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा लोगों का हक अदा करने की कोशिश करें। अपने हक के जितना हमें ख्याल है, उतना ज़्यादा दूसरों का हक अदा करेंगे तो आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारगी कायम रहेगी।